राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकले कलाकारों ओम शिवपुरी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी के मुंबई आकर फिल्मों में नाम कमाने के बाद से ही एनएसडी के छात्रों का हिंदी फिल्म जगत की तरफ झुकाव होता रहा है। अभिनेता राजेंद्र गुप्ता ने भी इन्हीं कलाकारों के रास्ते पर कदम रखा, मुंबई आए, खूब धारावाहिक और फिल्में की और अपना एक अलग मुकाम बनाया। कविताओं और किस्सों से खासा लगाव रखने वाले राजेंद्र गुप्ता अपने प्रशंसकों के लिए किसी सुपरस्टार से कम नहीं रहे हैं। बदलते दौर के साथ वो जीवन को बदलते देख रहे हैं, कहानियां कहने के ढंग को बदलते देख रहे हैं और इस बदलते माहौल में अपनी संवेदनाओं और सहजताओं से समझौता किए बिना अपना काम किए जा रहे हैं। साल 1981 में फिल्म गांधी की शूटिंग दिल्ली में भी हुई थी, तब उसमें एनएसडी के बहुत सारे कलाकारों को काम करने का मौका मिला। राजेंद्र गुप्ता कहते हैं, उस फिल्म में काम करके कलाकारों को अच्छे पैसे भी मिले। उन दिनों थिएटर में मुश्किल से 50 रुपए मिलते थे। फिल्म में अच्छे पैसे मिलने से ये बात तो समझ में आ गई कि सिनेमा में काम करने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। 1985 में जब वो मुंबई आए तो उनके साथ के और भी काफी सारे जूनियर्स मुंबई पहले ही आ चुके थे। जब वो मुंबई आए तो उन दिनों दूरदर्शन के लिए बहुत सारे सीरियल्स की शूटिंग चल रही थी और नए कलाकारों की जरूरत थी जो काबिल भी हों। राजेंद्र गुप्ता के पिता जय भगवान दास का पानीपत में ऊनी कपड़ों का कारखाना था। राजेंद्र गुप्ता बताते हैं कि उनके पिताजी बहुत ही मेहनती इंसान थे। पानीपत में जो उद्योग की शुरुआत हुई उसके फाउंडर मेंबर उनके पिताजी ही थे। उनके पिताजी ऐसे थे कि अगर बच्चे खुद से कुछ करना चाहते थे तो वो उन पर अपना विचार नहीं थोपते थे। वो यही बोलते थे कि तुम खुद समझदार हो, देख लो कैसे क्या करना है। जब वो एनएसडी में पढ़ते थे पिताजी खुद देखने आते थे। भाइयों को जरूर बुरा लगता था कि यहाँ इतना सारा काम है, पता नहीं वहाँ क्या करने जा रहा है। उस समय एनएसडी के बारे में किसी को पता नहीं था कि नाटकों की भी पढ़ाई होती है, ये सुनकर ही अजीब लगता था। उन्होंने बताया कि नाटकों के प्रति उनका झुकाव कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें ठीक से याद नहीं है कि कैसे झुकाव हुआ। स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम में उनके टीचर जी ने खड़ा कर दिया, वो 7वीं में थे। टीचर ने महाराणा प्रताप पर एक नाटक करवाया था, उस समय वो बहुत छोटे थे, नाटकों की उतनी समझ नहीं थी, लेकिन नाटक में काम करके उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब कॉलेज में आए तो वहाँ भी वार्षिक कार्यक्रम में भाग लेते रहे। कॉलेज में आने के बाद पढ़ाई में मन कम लगने लगा, अक्सर वो पढ़ाई करते करते सो जाते थे, लेकिन जब नाटक करते थे तो उन्हें बहुत मजा आता था। उनके कॉलेज के कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने एनएसडी ज्वाइन करने की सलाह दी, उसके बाद नाटक जीवन बन गया। राजेंद्र गुप्ता उस दौर के कलाकारों में है जब एनएसडी के कलाकारों के जत्थे मुंबई आने शुरू हो चुके थे। उन दिनों की याद करते हुए राजेंद्र गुप्ता कहते हैं, थिएटर में काम और नाम तो था, लेकिन 4-5 साल के बाद लगने लगा कि कुछ कमाओ भी। समाज और पारिवारिक दबाव तो होता ही है, खुद की भी जरूरतें होती हैं। उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि वो किसी से काम मांगने नहीं गए, ना ही अच्छे दोस्त बन पाए। वो जून में मुंबई आए और अगस्त में उन्हें दूरदर्शन के लिए एक सीरियल कहानी में काम करने का मौका मिल गया। उस समय दूरदर्शन पर रजनी सीरियल आता था, उसमें भी 3-4 एपिसोड में काम किया। उसके बाद सुधीर मिश्रा की फिल्म ये वो मंजिल नहीं मिल गई। किसी भी एक्टर के लिए उसके सारे किरदार बहुत ही प्रिय होते हैं, उनमें से कुछ किरदारों को चुनना बहुत ही मुश्किल होता है। राजेंद्र गुप्ता कहते हैं कि अभी मेरा सोनी चैनल पर एक शो जगन्नाथ और पूर्वी की दोस्ती अनोखी खत्म हुई है, उसमें उनका जगन्नाथ मिश्रा का बहुत ही कमाल का किरदार था। ऐसा लगता था कि 20 साल पहले के दूरदर्शन का जमाना आ गया है। जगन्नाथ मिश्रा से ही उन्हें याद आया कि उन्होंने चंद्रकांता सीरियल में पंडित जगन्नाथ का किरदार निभाया था, वो किरदार भी उनके दिल के बहुत करीब रहा। सोनी चैनल पर एक और सीरियल साया आया करता था, उसमें जगत नारायण का किरदार बहुत पसंद किया गया। नुक्कड़ में नगर पार्षद का किरदार सुधाकर कदम, इंतजार सीरियल का स्टेशन मास्टर का किरदार उनके दिल के अभी भी बहुत करीब है। फिल्मों की बात करें तो सलीम लंगड़े पर मत रो में राजेंद्र गुप्ता का किरदार बहुत ही कमाल का था। राजेंद्र गुप्ता कहते हैं, ये बहुत ही सार्थक और मैसेजफुल फिल्म थी। सईद मिर्जा ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी। लगान तो अपने आप में एक लैंडमार्क फिल्म है,
इस फिल्म में सरपंच का किरदार हो या फिर पान सिंह तोमर का सपोर्ट कोच HS रंधावा, गुरु में गुरु के पिता कांतिलाल देसाई के किरदार को आज भी याद करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आज की फिल्मों की बात करें तो तनु वेड्स मनु के दोनों पार्ट्स में काम करके उन्हें बहुत अच्छा लगा। इस फिल्म में राजेंद्र त्रिवेदी का किरदार बहुत ही प्रभावशाली किरदार था। धाकड़ निर्देशक मणिरत्नम के साथ गुरु में काम कर चुके राजेंद्र गुप्ता कहते हैं, वो एक ऐसे निर्देशक हैं जो सभी कलाकारों की समान रूप से इज्जत करते हैं। तिग्मांशु धूलिया कम से कम समय में बहुत बढ़िया काम करते हैं। श्याम बेनेगल के साथ उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया है। उनके साथ अंतिम फिल्म मेकिंग ऑफ संविधान किया था। वो बिना कलाकार के ऊपर दबाव डाले अच्छा काम निकलवा लेते हैं। सुधीर मिश्रा के साथ भी ऐसा ही काम करने का अनुभव रहा। आज के निर्देशकों की बात करें तो आनंद एल राय बहुत ही सहज निर्देशक और जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। वो हंसते खेलते काम निकाल लेते हैं। छोटे पर्दे पर बनने वाली अधिकतर कहानियों से राजेंद्र गुप्ता इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं, ये जो तंत्र है मुझे समझ में आता नहीं है। आज सब कुछ चैनल के हिसाब से हो रहा है क्योंकि पैसे वही दे रहे हैं। अगर इस तरह के कंटेंट से चैनल को फायदा हो रहा है तभी तो चैनल दिखा रहा है। चैनल को विज्ञापन से पैसे आ रहे हैं, चैनल को विज्ञापन वाले कंट्रोल में रखते हैं। अगर आप ऐसे भी देखें तो हमारी पूरी जिंदगी विज्ञापन वाले ही चला रहे हैं। आज हमारी सभ्यता और जिंदगी के रहनुमा विज्ञापन वाले बने हैं। कुछ इसी तरह का खेल चल रहा है।